Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ये हादसा नहीं है, हत्या है. हत्या, ये हादसा नहीं हत्या है. और हत्या किसने की? ये नाले को खुला रखने वाले लोग, ये निर्माण के लिए कोई सावधानी न बरतने वाले DDA के लोग, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं. ये तो नहीं चलेगा कि आप जहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, जहां LG की जिम्मेदारी होगी, वहां पूरी तरह से खामोशी साध लेंगे, एक शब्द कोई नहीं बोलेगा. घटना की जानकारी जैसे मिली, हमारे स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार जी वहां पे पहुंचे. इन्होंने पूरा जितना हो सकता था अपनी ओर से वहां रह के इन्होंने सारे प्रयास किए. लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी तय होगी? मेयर के लिए तो कहते हैं गिरफ्तार कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है कहते हैं बर्खास्त कर दो. मैं कहना चाहता हूं, इस घटना के लिए दिल्ली के LG को बर्खास्त करो, दिल्ली के LG को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो. एक मासूम बच्चे की और उसकी मां की जान गई है. तो इसलिए आज DDA किस प्रकार से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है. और अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा संसद लीक हो गई है. बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है. हर जगह लीक हो रहा है. मोदी है तो मुमकिन है, हर जगह लीक, हर जगह लीकेज, हर जगह रिश्वतखोरी. बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनेगा उसमें गड्ढा, पूर्वांचल एक्सप्रेस में बनेगा उसमें गड्ढा, द्वारका एक्सप्रेस बनेगा उसमें गड्ढा. अनाप शनाप निर्माण में पैसे, कहीं दिल्ली का एयरपोर्ट गिरेगा, कहीं राजकोट का, कहीं जबलपुर का, कहीं अटल सेतु ही दरार पड़ जाएगी उसमें, कहीं मोरबी का पुल गिर जाएगा, कहीं बिहार में कई पुल गिर जाएंगे. ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी रिश्वत खा ली है भाजपाइयों ने, कितना चंदा लूट लिया है, कितने पैसे खा के लोगों की जान जोखिम में डालोगे? अरे पैसे खा रहे थे तो कम से कम इतना तो सोच लेते कि जिस संसद भवन में बैठते हो वहां पे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं. संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितनी रिश्वत दी, कितना चंदा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए.